आप देख रहे तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा में आज सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इस मौके पर शहीद सैनिकों की विधवाओं का सम्मान भी किया गया है। शहर के सुभाष चौक में सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई है। आयोजित कार्यक्रम के दौरान पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी सहित भूतपूर्व सैनिक एवं सैन्य अधिकारी मौजूद रहे। जयंती के अवसर पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को माल्यार्पण करने के बाद देश के लिए एक शहीद हुए वीरों को याद किया गया। कार्यक्रम के दौरान शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं का सम्मान भी किया गया, जिस दौरान भारी संख्या में भूतपूर्व सैनिक एवं स्थानीय लोग मौजूद रहे। ये हमारा अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के रीवा जिले के इकाई के तत्वाधान पर ये आयोजित है। देश नहीं विश्व जानता है कि नेता सुभाष चंद्र बोस इस तमाम देश के लोकतंत्र को स्थापित करने, देश में अपने देश का कानून और राज चलाने के लिए प्राणों की आहुति दिया है। निश्चित रूप से उसका कर्ज आने वाली पीढ़ी तक हमारा चुकाने के लिए हम तैयार हैं। और इस अवसर पर ये हमारे सैनिकों ने इसका आयोजन करके और उनकी किए हुए कृत्य और उनके किए हुए तमाम उज्जवल कार्यक्रम को प्रसारित करने की दिशा में हम रीवा जिले में एक कार्यक्रम आयोजित किए हैं। उनकी 150वीं जो जयंती है ये इस बात के लिए प्रतीक है कि नेता सुभाष चंद्र बोस बलिदान देने के बाद इस देश में लोकतंत्र स्थापित हुआ।